इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक एक्टर्स राहुल बोस, जिन्होंने टाइम एंड अगेन अपने ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस से ऑडियंस को किया है स्टन। लेट्स टेक अ लुक एट हिज इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी। नंबर 10। बॉर्न इन कलकत्ता, राहुल हाफ बंगाली, 1/4 पंजाबी और 1/4 महाराष्ट्रन है और उन्होंने अपनी स्कूलिंग की है फ्रॉम बॉम्बे। नंबर 9। राहुल को हमेशा से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट रहा है। एट द एज ऑफ 6 उन्होंने किया अपना फर्स्ट स्टेज डेब्यू एज अ लीड इन अ स्कूल प्ले कॉल्ड टॉम द पाइपर सन। नंबर 8। While growing up, Rahul एक स्पोर्ट्स फ्रीक थे। He is the face of the first Indian rugby team. इसके अलावा वो एक सिल्वर मेडलिस्ट हैं बॉक्सिंग और उन्होंने क्रिकेट की कोचिंग भी ली है अंडर मंसूर अली खान पटौदी। नंबर 7। अपनी स्कूलिंग करने के बाद राहुल ने काफी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया पर वो हर बार रिजेक्ट हुए, आफ्टर विच ही ज्वाइंड सिडनम कॉलेज। नंबर 6। अपना बॉलीवुड करियर स्टार्ट करने से पहले राहुल ने पॉपुलर एड एजेंसी री डिफ्यूजन में काम किया एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर और 1994 में राहुल ने किया अपना फिल्म डेब्यू विद देव बेनेगल्स फिल्म इंग्लिश, जिसके बाद ही लेफ्ट हिज जॉब। नंबर 5। राहुल देन वेंट ऑन टू डू टेलीविजन और उन्होंने काम किया इन द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश टेलीविजन सीरियल अ माउथफुल ऑफ स्काई, जिसके बाद उन्होंने बीबीसी के एक शो को होस्ट भी किया था। नंबर 4। बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड के अलावा राहुल ने ब्रिटिश थिएटर सर्कल्स में भी काफी काम किया है। नंबर 3। राहुल को टाइम्स मैगजीन ने टाइटल दिया है द सुपरस्टार ऑफ इंडियन आर्ट हाउस सिनेमा और मैक्सिम नेम्ड हिम एज द शॉन पेन ऑफ ओरिएंटल सिनेमा फॉर हिज वर्क इन पैरेलल सिनेमा। नंबर 2। राहुल एक सोशल एक्टिविस्ट है और 2007 में ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन ऑक्सफैम ग्लोबल एम्बेसडर। इतना ही नहीं, ही हैज हिज ओन एनजीओ कॉल्ड द फाउंडेशन एंड ऑल्सो वर्क्स क्लोजली विद टीच फॉर इंडिया। नंबर 1। टॉकिंग अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, राहुल प्रेफर करते हैं टू स्टे सिंगल एंड टू फोकस ऑन हिज वर्क। 2017 में उन्होंने डायरेक्शन और एक्टिंग की फॉर हिज ओन प्रोडक्शन कॉल्ड पूर्णा। एक्टर, राइटर, सिंगर, प्रोड्यूसर एंड अ सोशल एक्टिविस्ट, राहुल के पास टैलेंट्स की कमी नहीं है एंड वी होप ही कंटिन्यूज टू एक्सप्लोर ऑल हिज टैलेंट्स।